हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके पहले की जितनी वीडियोज़ है वो सारी अपलोडेड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसे शेयर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या बोला, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको क्या बोला है, द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट A1 एंड S1 बी द एरिया एंड साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। फिर सिमिलरली लेट A2 एंड S2 बी द एरिया एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। ये वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। अच्छा, अगर ये दिए हुए हैं तो इसके हिसाब से मेरा गिवन क्या हो जाएगा, A1 और S1, फिर A2 और S2। A1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, ये बिगर ट्रायंगल है तो बिगर ट्रायंगल का वैल्यू कितना, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका S1 नहीं दिया है। A2 की बात करूं तो A2 का वैल्यू मेरे को इधर दिया है, तो A2 का वैल्यू मुझे कितना आ जाएगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और S2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, S1 का वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या स्टेटमेंट आएगा, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर रेशियो क्या होगा, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। इसका रीजन मैं क्या डालूंगा, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है। A1 का वैल्यू कितना है, 225 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है, 81 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू मुझे नहीं दिया, S1 स्क्वायर हो गया, ये दिया है मुझे 12। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 12, और लेकिन ये इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद अब मैं इसे जब आगे मूव करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 225, ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब आएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 × 12 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना हो गया, 81 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, देखिए कटआउट करता हूँ तो सारे वैल्यूज इधर आएंगे, 225 × 12 × 12 अपॉन 81। अगर आप इसको 3 से कट करें तो 3 × 4 = 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 27 = 27। वापस 3 से करें तो 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27। आई होप आपको एक ये कैलकुलेशन समझ में आया। देखिए अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये 225 ऐसे ही रहेगा, इसको जब वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 × 4 / 9 आ गया, इज इक्वल टू योर S1 स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर आपका S1 क्या हो जाएगा, S1 का वैल्यू कितना आएगा, 225 × 4 × 4 / 9, और इसका आप क्या लोगे, रूट का वैल्यू। 225 किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो 15 बाहर आएगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, वापस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और नीचे कौन है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो वैल्यू ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S1, 3 × 1 = 3, 5 = 5 अभी वैल्यू कितना आएगा, 5 × 4, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ S1 इज 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला, देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमेशा याद रखना, जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमेशा कौन सा थ्योरम लगेगा, साइड पूछा ना इधर, तो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ से मुझे वो हिंट मिल जाएगा। तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF
आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अब मैं इनका अगर एरिया निकालता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ विल बी इक्वल टू, ए बी का वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई, डी ई चाहिए तो डी ई का स्क्वायर। आपको यहाँ पर बोला है कौन सा साइड लेना तो आप कोई भी साइड मत लीजिए। फिर इसका रीजन आप क्या लिखोगे, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का देखो वैल्यू आपको दिया 1:2, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा आपका 2, 1:2 होता है ये। फिर ए बी का वैल्यू आपको दिया 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया आपका डी ई का स्क्वायर। आई होप आपको इतना कैलकुलेशन समझ में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, डी ई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा डी ई स्क्वायर इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2। फिर ये आपका है डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। अब आप क्या करेंगे, 32 का फैक्टर निकालेंगे, देखो डी ई इज इक्वल टू ये कितना होता है 16 इंटू 2 होगा। 16 किसका स्क्वायर है, हमेशा फैक्टर ऐसा निकालना ना जो किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिया है तो जो स्क्वायर बनेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका हम वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा रूट 2, तो ये मेरा हो गया डी ई का वैल्यू। फिर लिखने का देयरफोर लेंथ डी ई, या फिर देयरफोर द वैल्यू ऑफ डी ई इज 4√2। सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4√2 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, ये प्रैक्टिस सेट बहुत सिंपल और एग्जाम में आपको यहाँ से कन्फर्म एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, पी क्यू मतलब इसका वैल्यू आपको 20 स्क्वायर यूनिट दिया है और पी एफ का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ डी पी है और आपको पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू आपको पूछा है। तो जब आप सम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स है। फिर आपको क्या बोला है, पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी पी। फिर आप इसमें इस केस में क्या करेंगे, ये जो डी पी का वैल्यू इसको आप एक्स कंसिडर करिए, तो लेट अस अज्यूम दैट डी पी इज इक्वल टू एक्स। अगर डी पी मेरा एक्स है तो पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा, ये डी पी और पी एफ ये वाले वैल्यू पे आ रहा है। अगर मुझे बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करना है एफ डी ई तो मुझे डी एफ चाहिए रहेगा, तो डी एफ के लिए मैं क्या लिखूंगा, डी एफ विल बी डी पी प्लस पी एफ और इसका रीजन क्या है, डी डैश पी डैश एफ। अब डी पी का वैल्यू आपको कितना दिया है एक्स और पी एफ का वैल्यू आपको कितना दिया है 2x, तो डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी एफ विल बी इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल एफ पी क्यू या फिर पी क्यू एफ और दूसरा एफ डी ई या फिर डी ई एफ, ये दोनों को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लाइंस पैरेलल दिया है। अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। तो आप क्या कंसिडर करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल पी क्यू एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, मेजर एंगल, दो एंगल हमको चाहिए ना, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, मेजर एंगल एफ पी क्यू, एफ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एफ डी ई और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट के लिए मेजर एंगल पी एफ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल डी एफ ई, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल, क्या आएगा, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एफ
सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसका रीजन क्या आएगा, बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा अगर एक बार मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मैं एरिया थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूँ। देयरफॉर मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, कौन सा वैल्यू लूंगा, जो वैल्यू मेरे को दिया है, देखो किसका वैल्यू दिया मुझे, पी एफ का वैल्यू दिया है, पी एफ का वैल्यू 2x है और मेरे को क्या मिला डी एफ, पी एफ अगर देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू और डी एफ देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा पी एफ स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखूंगा डी एफ स्क्वायर। अब पी एफ का वैल्यू आपको कितना दिया है, अच्छा एक मिनट पहले इसका आप रीजन लिख दीजिए, रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा अब पी एफ का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो 2x दिया है तो इसकी जगह मैं क्या लिखेगा 2x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डी एफ आपको कितना दिया 3x तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 3x द होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 4/9। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, प्लीज़ इसका एक नोट ले लीजिए क्योंकि आगे एक सम कंटिन्यू करना है। चलिए देखिए, जब आप इसका वैल्यू इसको पुट अप करेंगे तो अगर मैं यहाँ से इसे इरेज करता हूँ तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 4/9। अब ये जो डी ई एफ है इसको मैं इस साइड ले सकता हूँ और ये जो मेरा 4/9 होगा ये वैल्यू को इस साइड ले लूँ, तो अगर ये वैल्यू को मैं चेंज आउट करता हूँ तो अच्छा मेरे को यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है, पी क्यू एफ का 20 यूनिट्स दिया है तो मेरे को डी ई एफ का वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू एफ की जगह मैं क्या रखता हूँ 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 4/9। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 × 9 इज इक्वल टू 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ चाहिए तो ये 4 इधर जाएगा तो ये कितना होगा 20 × 9/4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब बोलिए 4 × 1 = 4, 5 = तो 9 × 5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 9 × 5 = 45 क्या यूनिट, 45 यूनिट आएगा। बट आपको ये फाइंड करना था क्या, नहीं आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल में से जब मैं छोटे ट्रायंगल को माइनस करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप इधर ही लिखता हूँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या माइनस करने वाले हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, डी ई एफ देखो तो इधर है तो ये वैल्यू कितना रहेगा 45 माइनस पी क्यू एफ किधर है, पी क्यू एफ का एरिया आपको गिवन है ना 20, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 45 माइनस 20 अगर मैं करता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना था 25 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू लिख सकते हो इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए ज़्यादा स्पेस लगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ क्वेश्चंस सम समझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।